नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। विधु विनोद चोपड़ा, जो अपनी एक से बढ़कर एक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, विधु विनोद चोपड़ा बॉलीवुड में एक खास पहचान रखते हैं। उनकी फिल्में लीक से हटकर होती हैं। आइए आपको बताते हैं विधु विनोद चोपड़ा की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। विधु विनोद चोपड़ा भारतीय फिल्म निर्देशक, स्क्रीन राइटर और निर्माता है। परिंदा, 1942 अ लव स्टोरी, एकलव्य, द रॉयल गार्ड, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, PK, संजू उनकी पॉपुलर फिल्मों में से एक हैं। वो विनोद चोपड़ा फिल्म्स के फाउंडर हैं। उनकी फिल्मों की खास बात ये होती है कि उनकी फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ लोगों को एक बेहतरीन मैसेज भी देती हैं। विधु विनोद का जन्म 5 सितंबर 1956 को कश्मीर में हुआ था, लेकिन वो पले बढ़े श्रीनगर में थे। उनके पिता का नाम GN चोपड़ा है और फिल्मेकर रामानंद सागर उनके हाफ ब्रदर थे। उनका हिंदी सिनेमा से प्यार और परिवार से मिले सपोर्ट ने ही उन्हें फिल्म डायरेक्शन की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। फिल्म डायरेक्शन की पढ़ाई के लिए वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गए। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पहली शादी रेनू सलूजा से हुई थी, जिनसे उनका तलाक हो गया था। उसके बाद उन्होंने शबनम सुखदेव से शादी की, जिनसे भी उनका तलाक हो गया। फिर 1990 में उन्होंने अनुपमा चोपड़ा से शादी की, जो मशहूर फिल्म क्रिटिक है। विधु विनोद चोपड़ा की पहली शॉर्ट फिल्म मर्डर एट मंकी हिल ने बेस्ट शॉर्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और बेस्ट स्टूडेंट फिल्म का गुरुदत्त मेमोरियल अवार्ड भी जीता। इसके बाद बच्चों पर आधारित उनकी एक दूसरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एन एनकाउंटर विद फेसेस को 1989 के एकेडमी अवार्ड के डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी में नामांकित किया गया। इसने 1980 में टैम्पल फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड पिक्स भी जीता। विधु विनोद का फिल्मी सफर काफी शानदार रहा। उनकी पहली हिंदी फिल्म जिसे ब्लैक एंड व्हाइट में शॉट किया गया, वो थी सजाए मौत। ये एक थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और एडिटर रेनू सलूजा थी, जो कि उनके IIF पुणे में एक साथी विद्यार्थी थे। उनकी परिंदा, मुन्ना भाई MBBS, थ्री इडियट्स, ये सभी फिल्में क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में रही। उनकी थ्री इडियट्स तो हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक रही, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और ये फिल्म भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफी पसंद की गई। उनके फिल्में सजाए मौत, जाने भी दो यारों, परिंदा, 1942 अ लव स्टोरी, करीब, मिशन कश्मीर, मुन्ना भाई MBBS, परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, एकलव्य, द रॉयल गार्ड, थ्री इडियट्स, फरारी की सवारी, PK, ब्रोकन हॉर्सेस, वजीर और संजू है। विधु ने इंडस्ट्री को फिल्म ही नहीं बल्कि कई अच्छे निर्देशक भी दिए हैं। तो ये हैं विधु विनोद चोपड़ा की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।